ये सरकार पहले भी देख चुके हैं आप, ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह से अपना हथकंडे अपना रही है। पहले आपने देखा 26 पहले कर रही थी किसान नहीं खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, उसके बाद 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा के अपमान करवाया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम राज्यों को पुलिस लाकर किसानों को आंदोलन खत्म करवाना चाह रही थी। उसी तरीके से हिसार में फर्जी केस किया गया, गोली चलाया गया, लाठी चार्ज किया गया, आपने देखा होगा। अब जाकर सरकार पीछे हट रही है कि ये FIR वापस हो जाएंगे, तो आप देखते रहिएगा ये सरकार पूरे तरीके से पीछे हटेगी और FIR का ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा यह सरकार को, नहीं तो लोहे का चने चबाने का हम लोग काम करेंगे। और 26 तारीख को कल हमारा 6 महीने हो जाएंगे इस आंदोलन को करते हुए, और कल हम लोग काला पट्टी बांध कर काला झंडा दिखाकर विरोध दिवस मनाएंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आपको जिस तरीके से बंगाल में बंगाल की जनता ने चुनाव हराने का काम किया, अगर हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी और इस देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में चले जाइए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैन कर दिया गया है, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। एक और बात, बिहार में आपने देखा कितनी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, जब देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रहा था, जब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था कि सही समय पर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंचाया जाए, उस समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद एम्बुलेंस चुराने का काम कर रहा था, लेकिन जब पप्पू यादव ने दिखाया तो उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये सरकारी हिटलर की सरकार है, तानाशाह की सरकार है, ये सरकार उठने वाली हर आवाज़ को दबाना चाहती है, जिसको ये क्या बोलते थे देशभक्त उद्योगपति अडानी और अंबानी को, जब हमारा देश इस महामारी से गुजर रहा था, इस पेंडेमिक से गुजर रहा था, तो हमारे देश के उद्योगपति अडानी और अंबानी लंदन भागने का काम किया था, इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। इस पर इन सबों पर भारत में आने से बैन कर देना चाहिए, उनको देशद्रोही साबित करके उनको जेल में डालना चाहिए, उनके संपत्ति को देश के हित में खर्च कर देना चाहिए। सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं इतने टाइम से, अब वो 26 तारीख को भी विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आपने रेल रोकी, भारत बंद किया, उससे तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे नहीं फर्क पड़ा, सरकार पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, तभी तो ये सरकार पहले कह रही थी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान नहीं है, तब जाकर हमसे 12-12 राउंड बैठक कर ली, हमसे 12 राउंड किसानों की मांग करने के लिए बैठक की, फिर उसके बाद सरकार ने कहा कि इस कानून को हम स्टे लगा लेते हैं, फिर कहा कि इस कानून को संशोधन कर देते हैं, लेकिन सरकार ने नहीं हमारी बात मानी। तो क्या हुआ, हमारी आधी जीत तो तभी हो गई जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव हारने का काम की, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का हारने का काम की। आप तो कह तो दे रहे हैं कि अगर सरकार इसी तरह हमारी बात नहीं मानेगी तो हम भी दो डोज लगाने का काम करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में पहला डोज लगाएंगे मोदी जी का, और 2024 में दूसरा डोज लगाएंगे, ये सरकार भी खत्म हो जाएगी, महामारी भी खत्म हो जाएगा और ये कानून भी खत्म हो जाएगा। आप देखते तो रहिए, हम लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत सब्र दिखा, हमारा जितना परीक्षा लेना था मोदी जी अब ले लिए, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कल से इस कोरोना महामारी के बाद से आंदोलन का शुरुआत तेजी से होने जा रहा है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो जिस तरीके से 26 जनवरी को भी हम लोगों ने लाल किला पहुंचने का काम किया, उसी तरीके से लोकसभा भी पहुंचने का काम करेंगे। जिस तरीके से कोरोना महामारी में ये कानून आया था, उसी तरीके से ये कोरोना महामारी में मोदी सरकार गवर्नमेंट ये कानून लाओ और लोकसभा और राज्यसभा में इस कानून को खारिज करो, रद्द करो, नहीं तो यहीं से बगावत शुरू हो चुकी है यह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। कोई बड़ा ऐलान हो सकता है कल? बिल्कुल बड़ा ऐलान, आप देखिए ना, कल 26 तारीख को 26 मई है, कल 6 महीने पूर्ण हैं, काला दिवस मनाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाएंगे और देश के आम नागरिकों को संदेश देना चाहते हैं, अगर हम किसान नहीं रहते तो 6 महीने अपने घर परिवार बीवी बाल बच्चा छोड़कर खेत छोड़कर बॉर्डर पे नहीं रहते, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हम अनाज उगा कर खिलाते हैं, अगर हम यहाँ से हार कर जाएंगे
तो 200 ग्राम का चावल का पैकेट आएगा 100 रुपए में, और हम जैसे और आप जैसे गरीब आदमी भूखे मर जाएंगे। इसलिए पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप किसान भाइयों के साथ खड़े हो जाइए और किसानों की मांग को पूरी करवाइए, उनका कदम से कदम मिलाकर सहयोग कीजिए। नहीं तो किसान हारेगा तो पूरा देश के आम नागरिक गरीब मजलूम बेसहारा मर जाएगा। यह अमीरों की बात नहीं है, अमीर तो चौमिन खा लेंगे, अमीर तो 200 रुपए किलो चावल खरीद के खा लेंगे, लेकिन हम जैसे गरीब इस देश का आम नागरिक भूखा मर जाएगा। आपने देखा होगा जब सरकार उद्योगपति के पास बड़े बड़े कंपनियों के पास ऑक्सीजन था, तो जब हमारा देश में महामारी आया तो 3000 के सिलेंडर 30-30 हजार में ये उद्योगपति बेचने का काम किए हैं। तो आप समझिए जब किसान का चावल और गेहूं धान बाजरा मटर जब बड़े बड़े कंपनियों के कर माल गोदाम में पड़ जाएंगे तो यही हाल होगा। 100 रुपए किलो चावल बेचा जाएगा, 200 रुपए मटर बेचा जाएगा, 300 रुपए रहर का दाल बेचा जाएगा, तो गरीब क्या खाएगा। ये सरकार तो अडानी और अंबानी की सरकार है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के राज्य में ये आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि मैंने किसानों के गन्ने का रेट दे दिया, भुगतान पैसे दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान अपने बिल पर दिखा रहा है कि 0 पैसे आया है, हमको पैसा नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा गंगा माँ कहते थे मोदी जी, ये माँ ने गंगा माँ ने बुलाया है, और अंधभक्त कुछ अंधभक्त जेएनयू में कंडोम गिनते थे, इतने कंडोम मिले, लेकिन हमारी गंगा माँ के से गंगा माँ के किनारे में लाशें पड़ी है उसको दिखाने का काम नहीं कर रहा। अगर समय पे उनको इलाज मिल गया रहता तो इतने संख्या में लोग हमारा देश के नागरिक लोग नहीं मरते। वह कोरोना के नाम पर कोरोना से कम लोग मरे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, आईसीयू बेड के अभाव में मरने का काम किया है। ये सरकार में पूरे तरीके से सिस्टम फेल हो चुकी है। अब तो माहौल को संभाल लिया है ना सरकार ने, अब तो ऑक्सीजन की भी कमी दूर कर दी। एक बात बताइए ना, जब पेंडेमिक में एक साल पहले महामारी आया था उस समय से सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाने का काम किया, कितने ऑक्सीजन प्लांट खोलने का काम किया, कितने वेंटिलेटर काम बनाने का काम किया, कितने दवा बनाने का काम किया, बल्कि सरकार तो ताली और थाली पिटवाने का काम कर रही थी, मोमबत्ती और टर्च और दिया जलाने का काम कर रही थी। ये तो देश की जनता ने कोरोना को संभाला है, मोदी जी नहीं संभाला है। देश की जनता तो कह रही थी कि मोदी जी एक बार ताली और थाली और पिटवा दीजिए, हो सकता है कोरोना भाग जाएगा। इस देश की जनता ने और देश के आम नागरिकों ने जिस तरीके से एक दूसरे को मदद करने का काम किया है वो मिसाल है। आपने देखा होगा लोग बिना जान की परवाह किए हॉस्पिटल में जाकर खाना पहुंचा रहे थे, सरकार का एक आदमी नहीं दिख रहा था, वो हॉस्पिटल के अलावा ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोग कह रहे थे देश नहीं झुकने देंगे, देश बिकने नहीं देंगे, वो 7000-10000 में सिलेंडर बेचने का काम कर रहे थे। उन लोगों की बात मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आपने देख लिया लोगों को अंतिम संस्कार भी ये सरकार सही से नहीं करवा सकी, लेकिन वहाँ का मंत्री मुख्यमंत्री कह रहे गंगा जी के कसम खा के कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है। अगर चंगा रहता उत्तर प्रदेश में इतने लोग नहीं मरते, देश में इतने लोग नहीं मरते। बिहार में आपने देखा होगा किस तरीके से माहौल को खराब किया गया, बिहार में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। आप पीएमसीएच एनएमसीएच तमाम बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको दवा नहीं मिल रहा था। ये तो ऊपर वाले के कृपा है और साइंटिस्ट और डॉक्टरों के मेहरबानी है और तमाम लोगों के सहायता से ये पेंडेमिक महामारी पे काबू कर लिया गया, नहीं तो ये सरकार तो सरकार ने काबू नहीं किया। आपका कहने का मतलब बिल्कुल, सरकार ने क्या काबू किया, अगर सरकार ने काबू किया रहता तो अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पर 84% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तमाम देशों में चले जाइए, वहाँ पर 50% से ज़्यादा अपने देश के आम नागरिकों को वैक्सीन लगा दिया गया है, लेकिन हमारे देश में 12% लोगों को वैक्सीन मिला है, और भी वैसी वैक्सीन मिला है जो WHO मान नहीं रख रहा है। WHO कह रहा है कि इस वैक्सीन को हम मान नहीं कर रहे हैं, और बल्कि दूसरे देश भी कह रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन लगा के आते हैं तो हम इस देश में नहीं आने देंगे। यही तो हमारी सरकार है। आप बताइए ना, हमारी वैक्सीन को, हमारे ऑक्सीजन को ये मोदी सरकार ने कम पैसे में बेचने का काम किया। जब हमारे देश में महामारी आई
तो लोगों को कितने पैसे में ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। आप सुनिए ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आज दिल्ली में और बिहार में और तमाम राज्य में वैक्सीन खत्म हो चुका है, लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहा। क्यों? अब तो आपको 6 महीने पूरे हो गए, आपका राशन भी खत्म होने वाला होगा। राशन देखिए, किसान खेती करता है, चावल है, दाल है, बाजरा है, राजमा है, गेहूं है, चीनी है, तमाम चीज है। 6 महीने का राशन लेके आए थे, 6 महीने के और राशन आएगा बॉर्डर पे, और फिर उसी तरीके से पहले के तरह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम पहले भी कह चुके हैं, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश में ये तीनों कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। किसान जितना पैसा मिलता था उतना में धान बेचने का काम करता था, गेहूं बेचने का काम करता था, बाजरा बेचने का काम करता था, लेकिन आज किसानों की लड़ाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। किसान यहाँ से झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। यहाँ से तभी जाएगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। एक बात मोदी जी अपने दिमाग में घुसा ले और कान के अपना चदरा ठीक करके एक बात सुन ले, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इस बॉर्डर से हम नहीं जाने वाले हैं। इनकलाब नारों के साथ, जय जवान जय किसान के नारों के साथ इसी तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और लोकसभा और राज्यसभा भी पहुंचने का काम करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को पलटने का काम करेंगे।